बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 20। टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू टॉपिक विच इज एंट्री स्ट्रेटजी एंड स्ट्रेटजिक अलायंसेस। बिफोर दैट वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट FDIs, फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट फॉरन इन्वेस्टमेंट। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल हाउ वन कंपनी दैट इस्टेब्लिश एन अदर कंपनी इन द अदर कंट्री दैट बिकम्स अ मल्टीनेशनल, or a one company from one country acquires another company, purchases the shares of another company, and that the relationship between both companies becomes parent and subsidiary. Ek company jisne acquire kiya hai that becomes a parent company, aur jo company acquire hui hai that becomes a subsidiary company. Unke liye phir consolidated financial statements banti hain. अब एक तो ये तरीका कार है एंट्री का कि एक कंपनी किसी एक कंट्री की दूसरे कंट्री के अंदर जाकर कंपनी बना लेती है या वहां की कंपनी को अक्वायर कर लेती है। एक तो ये मेथोडोलॉजी है। इफ यू कुड रिमेंबर इन आवर अर्लियर लेक्चर्स वी डिस्कस्ड मॉर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस और मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, तो ये उसी की एक कंटिन्यूएशन है। इससे पहले हम बड़ी डिटेल से कंपनी लेवल पर बात करते रहे हैं कि एक कंपनी दूसरी कंट्री के अंदर जाकर काम शुरू कर देती है, तो जो कंट्री जिसकी वो कंपनी बेसिक कंपनी होती है वो आपका होम कंट्री होता है, दूसरे कंट्री के अंदर जब वो काम करती है तो दैट बिकम्स अ होस्ट कंट्री। इन सारी टर्मिनोलॉजीज को हमने डिस्कस किया है। आज जो हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं दैट इज एंट्री स्ट्रेटजी। व्हाट आर बेसिकली द स्ट्रेटजी टू एंटर इन द अदर मार्केट। मार्केट मींस के माइट बी इन द अदर कंट्री, वो कंट्री कोई मार्केट हो सकती है, वो कोई रीजन इंक्लूडिंग डिफरेंट कंट्रीज वो भी एक मार्केट हो सकती है, एक कॉन्टिनेंट है वो भी एक मार्केट हो सकती है। इट डिपेंड्स एट व्हाट लेवल यू आर एंटरिंग इन द मार्केट एंड देन व्हाट आर बेसिकली द स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। किस तरह अलायंसेस बनाए जाते हैं, किस तरह इकट्ठे काम हो के एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ मिलके अपने बिजनेस ऑपरेशंस को परस्यू करती है, कंटिन्यू करती है। सो टुडे इन आवर लेक्चर नंबर 20 वी हैव टू टॉक अबाउट द एंट्री स्ट्रेटजी एंड स्ट्रेटजिक अलायंसेस। लेट मी गिव यू एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक, व्हाट इट एक्सप्लेन्स। फर्म्स एक्सपेंडिंग इंटरनेशनली मस्ट डिसाइड, अब एक्सपेंड कर रहे हैं वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाह रहे हैं इंटरनेशनली, तो उन्होंने किन चीजों को डिसाइड करना होता है, वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जिनको उन्होंने डिसाइड करना है, वो क्या है कि विच मार्केट टू एंटर। ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस मार्केट में आप एंटर होना चाहते हैं। अब यूएस बेस्ड कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी ने फॉर एग्जाम्पल एशिया के अंदर अपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो जो मार्केट है वो एशियन मार्केट होगी उसके लिए। यूएस कंपनी ने फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशिया, अब उसने एशिया को भी डिवाइड कर दिया डिफरेंट रीजन्स में, अब वो कह रहे हैं कि साउथ ईस्ट एशिया इस रीजन में क्योंकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो हम वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। वो कौन सी मार्केट होगी, अब साउथ ईस्ट एशिया मार्केट होगी। अब अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो कहते हैं कि हमने यूरोप में अपना बिजनेस स्टार्ट करना। इफ आई कुड टॉक अबाउट द प्रीवियस टाइम पीरियड्स अर्ली 2000, उसमें क्योंकि वहां पर पोटेंशियल था, कंपनियों ने अभी ग्रो नहीं किया था, तो यूएस कंपनी क्योंकि मेच्योर्ड कंपनीज थी, सो दे डिसाइडेड दैट वी शुड मेक इन्वेस्टमेंट इन यूरोप। अब यूरोप सिर्फ एक यूरोप, सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों पर शामिल तो नहीं है, they are also including those countries which are less developed countries। usme aapke paas jaise poland hai that is not comparable with the german market, german companies, to aap khud comparison kare। ha french aur german, french aur uk, in companies ko to aapas mein competition ek level ho sakta hai, but if you make a comparison with the uk companies and the poland, this is I think no comparison at all। Estonia वहां पर है, Latvia
मतलब दीज आर वेरी स्मॉल कंट्रीज, तो ये उस तरह के तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है जितने के जर्मन है, फ्रांस है, स्वीडन है, इटली है, ये कंट्रीज हैं। तो हो सकता है कि वो इन जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं यूरोप के, उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहें तो वो उनके लिए मार्केट हो जाएगा। या फिर आप जो अमेरिका के एडजेसेंट कंट्रीज हैं वहां पे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे आपके पास मेक्सिको है, दैट इज नॉट एज डेवलप्ड एज यूएस, तो उनके लिए भी फिर एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अब यूएस के लिए हो सकता है, या यूएस कंपनीज के लिए मेक्सिको एक मार्केट हो सकती है। सो व्हाट दे आर सेइंग, विच मार्केट टू एंटर, व्हेन यू वांट टू एक्सपेंड योर बिजनेस यू हैव टू सी विच मार्केट यू वांट टू एंटर, किस मार्केट में आप एंटर होना चाहते हैं, क्या वहां पर कंपटीशन है, नहीं है, कंपटीशन है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, देन व्हेन टू एंटर देम एंड ऑन व्हाट स्केल। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप कब एंटर होना चाह रहे हैं, व्हेन टू एंटर, कब आपने, क्योंकि टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अर्ली एंटर हो रहे हैं या यू वांट टू सी एंड देन यू वांट टू एंटर, अब इसके प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। आप अर्ली मूवर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं कि आप पहले जाएं, आपको वहां पे सुटेबिलिटी नजर ना आए। आप अर्ली एंट्री तो आपने डाल दी है वहां पे उस मार्केट में, लेकिन आपकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस ही नहीं है वहां पे। देन द थर्ड वन इज ऑन व्हाट स्केल, आप बहुत बड़े लेवल पर एंटर होना चाहते हैं या स्मॉल स्केल पर एंटर होना चाहते हैं, इट डिपेंड्स। आप बड़े लेवल पर एंटर होना चाह रहे हैं, माइट बी यू नीड टू मेक डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एंड इफ यू वांट टू एंटर इन द स्मॉल मार्केट यू वुड बी प्रेफरिंग द इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग बिजनेस, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, थोड़ा सा इसको हम इन जनरल भी नेक्स्ट में भी पढ़ेंगे। देन विच एंट्री मोड टू यूज, अब जो मैंने आपको बताया कि व्हाट कुड बी द मेथोडोलॉजी, वो क्या हो सकती है आपकी मेथोडोलॉजी, आप डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप लाइसेंसिंग के थ्रू एंटर होंगे, आप फ्रेंचाइजिंग के थ्रू एंटर होंगे, ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू एंटर होंगे। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स दैट मस्ट बी कंसिडर्ड बाय द फर्म्स व्हेन दे आर एंटरिंग इन द मार्केट, व्हेन दे वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। सो दे नीड टू डिसाइड द बेसिक थ्री थिंग्स, वन इज योर विच मार्केट टू एंटर, आप बिजनेस तो एक्सपेंड करना चाह रहे हैं बट यू डोंट नो where you want to start your business, where you want to expand your business, then this is very important ke aapne pure ke pure unko portfolio taiyar kiya, wo aapne unke pros and cons dekhe ho ke which market suits to you, which market is most favorable to you, then when to enter them, what is the basic time period kya hai, kya wo time aapko suit karta hai ki nahi karta, then on what scale, आप किस लेवल पर एंटर होना चाहते हैं, आप स्मॉल स्केल पर होना चाहते हैं, लार्ज स्केल पर होना चाहते हैं या मीडियम स्केल पर होना चाहते हैं। अब लार्ज स्केल पर एंटर होंगे तो फिर आपको उसके लिए बहुत ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा, स्मॉल स्केल पर होंगे तो आपको कंपैरेटिवली स्मॉल होमवर्क करना पड़ेगा। देन व्हाट वुड बी द मोड, आपका कौन सा मेथड होगा कि जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, मार्केट डिसाइड कर लिया आपने, टाइमिंग डिसाइड कर ली, स्केल डिसाइड कर लिया, देन यू आर थिंकिंग अबाउट के विच मोड ऑफ इज इंटरनेशनल बिजनेस या विच मोड ऑफ एक्सपेंडिंग योर बिजनेस वुड सूट्स टू यू, फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचर, अक्वायरिंग अ कंपनी, ग्रीन फील्ड्स, ये सारे के सारे आपको मोड्स बताएंगे, क्योंकि कौन सा आपको सूट करेगा, जो ज्यादा सूट करेगा वो करेंगे, कम सूट करेगा आप साइड पे नहीं जाएंगे। देन एंट्री मोड्स इंक्लूड्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू के दैट कुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्टिंग, आप एक्सपोर्ट के थ्रू आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, आपने आपके पास ऑलरेडी, फॉर एग्जाम्पल जापान की अगर आपको एग्जाम्पल दू तो जापानीज ऑटोमोबाइल्स तक मैं अपनी एग्जाम्पल रखता हूं कि फर्स्ट
they exported their automobiles in the foreign countries rather than installing a plant and then starting operations. ऐसे नहीं हुआ था. हमेशा आपको एक्सपोर्ट एक क्लू देता है कि आप वहां पर बड़ी इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, आपकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस होगी या नहीं होगी. आपका बेसिक पॉइंट होता ही एक्सपोर्ट है. अब जैपनीज कंपनीज ने पहले अपनी ऑटोमोबाइल्स को एक्सपोर्ट किया डिफरेंट कंट्रीज के अंदर. जब वहां के लोगों को जैपनीज प्रोडक्ट्स की ऑटोमोबाइल्स की एक्सेप्टेंस हुई, देन दे थॉट दैट वी हैव अ ह्यूज डिमांड ऑफ अवर ऑटोमोबाइल्स, सो इट इज बेटर फॉर अस टू स्टार्ट प्रोडक्शन इन दैट कंट्री. उन्होंने फिर वहां पर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, शुरू कर दी. अब इसी तरह पाकिस्तान में हुआ कि पाकिस्तान में उन्होंने पहले अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया, पाकिस्तान के अंदर वो उनकी ऑटोमोबाइल्स आई, टोयोटा मोटर्स, होंडा मोटर्स, ये पहले आपकी एक्सपोर्टेड थी, जिसे अक्सर आप सुनते होंगे कि जापानीज असेंबल्ड गाड़ी है. तो ये क्या था, ये उस वक्त इंपोर्ट हुई है गाड़ियां. जब लोगों में एक्सेप्टेंस आई तो फिर उन्होंने कहा कि अब हमें एक्सपोर्ट सूट नहीं करता, अब हम वहीं पर फैक्ट्री लगाते हैं और वहां पर अपने बिजनेस स्टार्ट करते हैं. सो दैट वॉज अ बेसिक पॉइंट दैट गिव्स अ क्लू टू द कंपनीज दैट यू शुड गो फॉर द फॉर फर्स्ट टू सी दैट वेदर दिस कंट्री आर अ पीपल ऑफ दैट कंट्री हैव एन एक्सेप्टेंस ऑफ अवर प्रोडक्ट है कि नहीं है. इफ दे हैव एन एक्सेप्टेंस देन दे स्टार्ट to install a plant for the huge production process ताकि वहां के लोगों की जरूरियात भी पूरी होती रहे, जितनी requirement है वो demand भी पूरी हो, क्योंकि export एक हद तक हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती. तो आप production करें और उसके different benefits होते हैं. आप अगर वहीं पर production शुरू कर दें, we'll discuss later on कि क्या क्या उनके benefits हो सकते हैं. Then we have discussed licensing or franchising to a company in the host nation. आप लाइसेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं या फ्रेंचाइजिंग के थ्रू कर सकते हैं. इसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस भी किया हुआ, लेटर ऑन हम करेंगे भी इसको थोड़ा सा और डिस्कस. देन एस्टैब्लिशिंग अ जॉइंट वेंचर विद अ लोकल कंपनी. एक जॉइंट वेंचर बना लिया जाता है, कोई उनकी एफिलिएशन नहीं होती. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, टू एक्सपेंड द बिजनेस. वी आर नॉट इंटरेस्टेड और वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द पेरेंट और सब्सिडी रिलेशनशिप. ऑनरशिप कॉन्टेक्स्ट में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं. तो बिजनेस एक्सपेंड किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू भी हो सकता है, फ्रेंचाइजिंग लाइसेंसिंग के थ्रू भी हो सकता है, या इस्टेब्लिशिंग अ ज्वाइंट वेंचर. आपस में एक एग्रीमेंट किया, प्रोडक्शन स्टार्ट होगी. एक कंट्री में रॉ मटेरियल चीप है, दूसरे की टेक्नोलॉजी, आपस में ज्वाइंट वेंचर हुआ और बेहतर प्रोडक्शन हुई उससे और दोनों ने अपना प्रॉफिट शेयर किया. कोई ओनरशिप की एफिलिएशन नहीं है. देन एस्टैब्लिशिंग अ न्यू होली ओन्ड सब्सिडरी. वी डिस्कस्ड इन डिटेल कि एक फ्रेश बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वहां पे फ्रेश कंपनी को एस्टैब्लिश किया जाता है, दैट इज कॉल्ड योर ग्रीन फील्ड्स. देन अक्वायरिंग एन एस्टैब्लिश्ड एंटरप्राइज, या कोई ऑलरेडी कंपनी है वहां पे तो उसके शेयर्स को परचेज कर लिया. अब जो लास्ट टू है उसमें आपकी एफिलिएशन ओनरशिप की है. इससे पहले सिर्फ बिजनेस की एफिलिएशन है, बिजनेस सेट की उनकी कोई एफिलिएशन नहीं है. यहां पर आपकी बिजनेस की एफिलिएशन भी है प्लस ऑनरशिप की एफिलिएशन भी है. सो दीज आर द बेसिकली मोड्स टू एंटर इन द अदर मार्केट्स. सो आई होप के इस स्लाइड में आपको सारा आइडिया हो गया होगा कि व्हाट आर द बेसिकली व्हाई वी टेक डिसीजंस टू एक्सपैंड अवर बिजनेस ऑपरेशंस, एक्सपैंड अवर बिजनेस. आपने मार्केट देखनी है, किस मार्केट में एंटर होना है, आपने टाइम देखना है कि विच टाइम मोस्ट सूटेबल फॉर यू, देन आपने किस लेवल पे करना है, वो स्केल क्या होगा, लो स्केल पे करेंगे या हाई स्केल पे करेंगे आप, देन विच एंट्री मोड यू वॉन्ट टू यूज. ये सारे के सारे हमने मोड्स में डिस्कस किए हैं. देन सेवरल फैक्टर्स दैट इफेक्ट द चॉइस ऑफ एंट्री मोड इंक्लूडिंग. अब आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप अगर लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजिंग पर जाते हैं, आप एक नई कंपनी इस्टैब्लिश करते हैं,
या आप एक ऑलरेडी कंपनी है उसको अक्वायर कर लेते हैं, तो मोर लेस ये सारे के सारे इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स आपकी मोड ऑफ एंटरिंग इन द मार्केट. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरह ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफेक्ट कर सकती है, आप खुद इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. ऐसे नहीं है कि व्हाट आई एम सेइंग दैट इज 100%, व्हाट आई एम सेइंग दैट इज माय ओन अंडरस्टैंडिंग. इफ यू हैव अ बेटर आइडिया यू कैन एडजस्ट इट विद दैट आइडिया, कि उस पॉइंट को भी ऐड करें और उसको आप जस्टिफाई कर दें कि ऑफ कोर्स दीज आर आल्सो द पॉइंट्स, क्योंकि ये तो कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं आपको, ये तो उन्होंने जस्ट दे गेव यू 6 पॉइंट्स, इसके अलावा फर्दर और बहुत से हो सकते हैं पॉइंट्स जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं कि दीज आर द फैक्टर्स दैट आल्सो इफेक्ट ऑन एक्सपेंडिंग योर बिजनेस, दीज आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट ऑन योर मोड ऑफ डूइंग बिजनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट. अब ट्रेड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रेड बैरियर्स हैं, पॉलिटिकल रिस्क है, इकोनॉमिक रिस्क है, कॉस्ट है, फर्म स्ट्रेटजी है, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो आपके चॉइस ऑफ एंट्रिंग इन द मार्केट, जो मोड है आपका, जो मेथड है एंट्री ऑफ बिजनेस के, उस पर इफेक्ट करता है. अब फॉर एग्जांपल इफ आई जस्ट टेक एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग में जो सबसे बड़ी कॉस्ट होती है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन की होती है. जापान में गाड़ियां असेंबल हुई, वहां पर उनकी प्रोडक्शन हुई और वो पाकिस्तान में आएगी तो थ्रू शिपमेंट ही आएगी. एंड इफ दैट ऑटोमोबाइल इज कमिंग थ्रू शिपमेंट, जो कंपनी है, जो ट्रांसपोर्ट की कंपनीज हैं, दे चार्ज ए ह्यूज अमाउंट. अब एक तो ये फैक्टर हो गया, दूसरा वहां पर आपकी जो एक्साइज होती है, एक्साइज एंड टैक्सेशन, आपको एक वो बहुत बड़ी रकम देनी पड़ती है. तो आपकी जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर सबसे बड़ा जो इशू है वो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का है. अब यहां पर आप देखें कि एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कितना बढ़ा देती है, क्योंकि शिपिंग कंपनीज बहुत ज्यादा चार्ज करती हैं ट्रांसपोर्टेशन फीस या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को. लेकिन आप फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग, आप कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं तो वहां पर आपकी उतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं होती जितनी आपकी एक्सपोर्ट में होती है, क्योंकि आपने शिपिंग कंपनी को बहुत बड़ी अमाउंट पे करनी है, प्लस यू हैव टू पे द एक्साइज जो आप कस्टम पे करते हैं, वहां पे कस्टम ड्यूटी पे की जाती है, दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट. नंबर वन. देन यू कम अप ऑन ट्रेड बैरियर्स. अब यहां पर एक और एक्सपोर्ट से रिलेटेड इश्यू है, दैट इज के सम टाइम टू प्रोटेक्ट द लोकल इंडस्ट्री गवर्नमेंट पुट अ कोटा कि आप इस हद तक हमारे कंट्री के अंदर इतनी चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. तो अब यहां पर एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम हो गया. लेकिन ट्रेड बैरियर्स आपके फ्रेंचाइजिंग पर नहीं लगेंगे, लाइसेंसिंग पर नहीं लगेंगे, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी उसके ऊपर नहीं लगेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन ही उसी सेम कंट्री के अंदर हो रही है. अब गवर्नमेंट को यहां पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, क्योंकि योर लेबर इज एम्प्लॉयड, सो इट मींस यू आर शेयरिंग द बर्डन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद द गवर्नमेंट, सो गवर्नमेंट डजंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, सो गवर्नमेंट विल नॉट ऑब्जेक्ट ऑन दिस इश्यू. लाइसेंसिंग, अगेन द सेम कंट्री पीपल आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, they are using the sales, so it means when you are sharing the burden of government, government doesn't have any issue about it. to phir wo kehte hain ki aap yahan par ye cheez na kare. then political risks, ab yahan par problematic ho sakta hai ye aapko export ko beneficial ho, lekin aapki jo baki hai franchising hai, licensing hai, ya जो मेजर इश्यू इज योर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है. तो पॉलिटिकल इश्यू आया तो आपकी जो हैवी इन्वेस्टमेंट है वो रिस्की हो सकती है. लेकिन आप एक्सपोर्ट करें, फाइन. आप एक्सपोर्ट नहीं करें, यू डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम बिकॉज यू डिड नॉट इन्वेस्ट अ ह्यूज अमाउंट. देन इकोनॉमिक रिस्क, दैट इज मोर रिलेटेड विद द पॉलिटिकल रिस्क एज वेल.
कि अगर कहीं क्राइसिस आता है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, तो आपकी जो प्रोडक्शन है, अब आपकी जो कॉस्ट होती है दैट इज सेपरेट इनटू टू पार्ट्स, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है, इफ यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग बिकॉज द कंट्री इज अंडर द फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, तो वहां पर प्रोडक्शन आप रोक दें, ठीक है. लेकिन जो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है, आपकी लेबर एंगेज्ड है, लेबर आपने रखी है, उसको तो सैलरीज देनी है. आपकी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट है, वो तो आपको बेयर करनी पड़ेगी. आपने कोई लैंड फॉर एग्जांपल रेंट पे लिया, कोई ऑफिस रेंट पे लिया, वो तो आपको कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा. देन व्हाट इज द बेनिफिट एट ऑल? सो यहां पर फिर आपको एफडीआई सूट नहीं करती, यहां पर एक्सपोर्ट सूट करेंगी. कि एक कंट्री क्राइसिस में, तो वहां पर एक्सपोर्ट खत्म करेंगे, किसी दूसरे कंट्री के अंदर मूव कर जाएंगे, वहां पर एक्सपोर्ट होगी. सो इट मींस कि हेयर डायरेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट डजंट सूट, यानी यू हैव अ मोर पॉलिटिकल रिस्क एंड इकोनॉमिक रिस्क. और यहां पर एक्सपोर्ट आपको सूट कर सकती है, अगर ठीक है यहां पर नहीं है तो किसी और कंट्री के अंदर आप एक्सपोर्ट कर दें. और क्योंकि आपका स्केल एक्सपोर्ट का कम होता है, तो हो सकता है कि उसमें इतनी अब्सॉर्प्शन हो कि वो अब्सॉर्ब कर सके उसको. देन डिफरेंट कॉस्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये इस तरह की कॉस्ट होती हैं जो आपके जो मोड्स ऑफ एंडिंग द मार्केट है वो उन पर इफेक्ट कर सकती हैं. क्योंकि देखें, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैंने कहा कि यू नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपने देखना है कि क्या आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप कर सकें. फ्रेंचाइजिंग लाइसेंस में आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि जो फ्रेंचाइज ले रहा है या आपकी लाइसेंस ले रहा है, पेमेंट तो उसने करनी है, किसी और कंपनी ने तो नहीं करनी. कोई जो इन्वेस्ट करना चाह रही है वो तो नहीं करेगी यहां पे. जो फ्रेंचाइज ले रहा है, जो लाइसेंस ले रहा है, ही विल पे द फी. सो दिस कुड इफेक्ट ऑन योर मोड ऑफ एंटरिंग इन द मार्केट. देन फर्म स्ट्रेटजी. अब यहां पर कंपनी ने खुद अपनी स्ट्रेटजी बनानी है कि क्या वो यहां पर उसकी एग्जिस्टेंस लंबे अरसे के लिए रखना चाहते हैं उस कंट्री के अंदर, क्योंकि उनको पोटेंशियल ज्यादा नजर आ रहा है, यहां पे लंबे अरसे के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है. द रीजन इज दैट कि व्हाई यूरोपियन एंड यूएस कंपनीज आर मूविंग टू द चाइना, बिकॉज दे आर लुकिंग दैट देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल एंड दिस पोटेंशियल कैन बी exploited for a longer period of time, so they can get the benefit for a longer period of time. So this is much better to make investment in China. तो वहां पर वो direct foreign investment करेंगे, वो export की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि China खुद वहां पर cheap labor और cheap raw material की वजह से production कर रहा है. कंपनियां बाकी भी जा रही हैं, तो बाकी दूसरी कंपनियां भी वहां पर entry करेंगी. So it depends upon the firm strategy whether they want to make investment for a longer period of time or a shorter period of time. So the optimal mod varies by situation, as I already told you कि what mod of entering in the market you are using, it depends upon the situation. आपकी जो situation है वो क्या है? Then what makes sense for one company might not make sense for the another company. एक company के लिए तो वहां पर investment बनती है, समझ आती है, क्योंकि वहां पर उसको environment नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी company के लिए वो हो सकता है कि suitable ना हो. अब किसी एक कंट्री के लिए पाकिस्तान सूट करता है, दूसरी कंपनी के लिए हो सकता है सूट ना करते हो, डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप ऑफ बिजनेस, कि वो किस तरह का बिजनेस करते हैं. सो व्हाट दे आर सेइंग, द ऑप्टिमल मोड वेरीज बाय सिचुएशन, सो दैट इज फाइन. व्हाट मेक्स सेंस फॉर वन कंपनी माइट नॉट मेक सेंस फॉर द अनदर कंपनी. किसी एक कंपनी के लिए सुटेबिलिटी बनती है, हो सकता है दूसरी कंपनी के लिए सुटेबिलिटी वो ना बने. So what we have discussed, basically we discussed when you are expanding your business, you have to take decisions with your market, with your scale, with your time, and what are the mods, or un mods par effect karte hain different types ki cost. Aapki wo kon kon si cost hai, wo kon kon se factors hai, aapki transportation hai, you have a trade, political economic risk, cost and firm strategy. So these are basically the factors that affect on your mod of expanding your business. सो आई होप कि यहां पर अब आपको एक आइडिया हो गया है कि बिजनेस को आपने एक्सपेंड करना है तो आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना होता है. सो बेसिक एंट्री डिसीजंस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, वी नीड टू डिस्कस मोर अबाउट इट सो दैट वी कैन गेट बेटर आइडिया कि फर्म्स एंटरिंग फर्म्स फॉरेन मार्केट्स मेक थ्री बेसिक डिसीजंस.
as we have discussed, which markets to enter. Again, this is a very important decision firms have to take, because if they choose a wrong market, it means they have invested their all of investment. So firms are very critical, they are very choosy about the markets. Wo in markets ko bahut critically analyze karte hain, unke sare pros and cons dekhte hain, aur uske baad decide karte hain ki okay, Pakistan is a suitable country for investment, China is a suitable country, India, Bangladesh, Sri Lanka. So all these countries, they have to make decisions that okay, Pakistan is the best country for investment. ये एक चीज तो डिसाइड कर ली कि मार्केट में आप एंटर हो गए इस मार्केट में, लेकिन वेन टू एंटर दोज मार्केट्स. अभी देखें कि कुछ ऐसे क्राइसिस के टाइम पीरियड्स होते हैं जो कंपनी कंट्री बेशक उनके लिए सूटेबल हो, लेकिन वो टाइम पीरियड उनके लिए सूटेबल नहीं होता. वो टाइम पीरियड जो है उसका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए. देन ऑन व्हाट स्केल टू एंटर दोज मार्केट्स, किस लेवल पर आपने एंटर होना है. आपने मार्केट भी डिसाइड कर लिया, आपने टाइम भी डिसाइड कर लिया, अब आप बड़े लेवल पर एंटर होना चाह रहे हैं या छोटे लेवल पर एंटर होना चाह रहे हैं. Now, which foreign markets? The choice of foreign markets will depend on their long run profit potentials. अब आपने अगर मार्केट में एंटर होना है, किस मार्केट में एंटर होना है, तो आपने देखना है कि कितने लंबे अरसे के लिए, कितने लंबे अरसे के लिए आप वहां से बेनिफिट ले सकते हैं. एक चीज का आपने ये ख्याल रखना होता है. What they say, favorable markets are politically stable, developed. अब यहां पर आपको आइडिया होना शुरू हो गया कि हमने, क्योंकि वो जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो चीजें कही थी वो ये थी कि देयर शुड बी अ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द मार्केट इन दैट कंट्री वेयर यू वांट टू मेक इन्वेस्टमेंट. आपका वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो आपको फेवर करती है. एंड डेवलपिंग नेशंस विद फ्री मार्केट सिस्टम. इसका क्या मतलब हुआ, कहीं गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगाती, गवर्नमेंट कहीं कोई बैन तो नहीं लगाती वहां पे, उनकी पॉलिसीज फ्लक्चुएटिंग तो नहीं है, वो वहां पर फ्री बिजनेस करने देते हैं कि नहीं देते. एंड रिलेटिवली लो इन्फ्लेशन रेट्स एंड प्राइवेट सेक्टर डेट्स. अब ये तीन चीजें उसने उसमें बता दी, चार चीजें बेसिकली. पॉलिटिकल स्टेबल डेवलप्ड, एक पॉलिटिकल स्टेबल वो मार्केट होनी चाहिए. अब पॉलिटिकली अगर वो स्टेबल नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो भी वहां पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट होगी वो बड़ी फ्लक्चुएटिंग किस्म की पॉलिसीज बनाएगी जो हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को टोटली डिस्ट्रॉय कर दे. सो व्हेन यू हैव अ पॉलिटिकली स्टेबल मार्केट, नंबर वन. नंबर टू, विद फ्री मार्केट सिस्टम्स, वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो के प्रोडक्शन आपने यहां पे करनी है, सेल यहां पे करनी है, आप यहां पर प्रोडक्शन करेंगे तो फिर आप बायबैक वापस नहीं लेके जा सकते अपनी इन्वेस्टमेंट को इतने लंबे अरसे तक के लिए. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, सो दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी. ये अब उनको ये फेवर करेगी. देन व्हेन यू हैव अ लो इन्फ्लेशन रेट, इट मींस कि योर प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट यू आर प्रोड्यूसिंग, you are manufacturing, will not be high. जो आप products produce कर रहे हैं उनकी rates high नहीं होंगी, उनकी cost high नहीं होगी, ताकि वो demand उसी तरह stable रहे products की. अगर inflation बहुत ज्यादा होता है तो फिर जो production cost है वो भी high होती है, उसके बाद उनकी prices, products जो finished products हैं उनकी prices भी high होती है. तो जब prices high होती हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि demand कॉन्ट्रैक्ट्स होती जाती है, लोग स्विच करते हैं फिर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की तरफ. एंड प्राइवेट सेक्टर डेट, और लो प्राइवेट सेक्टर डेट होने चाहिए, क्योंकि जितने लो प्राइवेट सेक्टर डेट होंगे उनके पास पोटेंशियल ज्यादा होगा. सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स दैट फेवर्स व्हेन यू वांट टू एंटर इन द मार्केट, नंबर वन. देन व्हाट
what are the less desirable or unfavorable markets for a company to enter in the other country. वो क्या हो सकते हैं? Less desirable markets are politically unstable. उसका बिल्कुल ही उलट हो गया जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. फेवर क्या करती हैं? जहां पे इन्फ्लेशन लो हो, लो प्राइवेट डेट्स हो, आपके पास पॉलिटिकली स्टेबिलिटी हो, फ्री मार्केट सिस्टम्स हो उनके. अब इसका उलट क्या होगा? वो अनफेवरेबल उनके लिए बन जाएगा, अनडिजायरेबल हो जाएगा. कि लेस डिजायरेबल मार्केट्स आर पॉलिटिकली अनस्टेबल, डेवलपिंग नेशंस विद मिक्स्ड आर कॉमन इकोनॉमीज, जहां पर मतलब डिक्टेटरशिप टाइप होती है, जहां पे रूल बहुत टाइट होता है, फ्री सिस्टम बेसिकली नहीं है, तो ये उनके लिए अनफेवरेबल होगा. आर डेवलपिंग नेशंस विद एक्सेसिव लेवल ऑफ बोरोइंग्स, जहां पर बोरोइंग्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये भी उस कंट्री के लिए फेवरेबल नहीं होता. देन मार्केट्स आर आल्सो मोर अट्रैक्टिव व्हेन द प्रोडक्ट इन क्वेश्चन इज नॉट वाइडली अवेलेबल एंड सेटिस्फाइज एन अनमेट नीड. यहां पर वो दो पॉइंट्स बता रहे हैं, नॉट वाइडली अवेलेबल एंड सेटिस्फाइज एन अनमेट नीड्स. अब एक मार्केट इतनी सैचुरेटेड है, वहां पर ऑलरेडी कंपेटिटर्स मौजूद हैं, आपकी प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस हाई होगी, तो इट मींस के दे विल स्विच टू द अदर मार्केट. सो व्हेन यू हैव अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स दैट इज नॉट सूटेबल, दैट मार्केट इज नॉट सूटेबल फॉर यू बिकॉज यू आर अंडर अ ह्यूज कॉम्पिटिशन. वहां पर दूसरी कंपनीज भी काम कर रही हैं. अब यूरोप की या यूएस की कंपनीज इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ क्यों मूव कर रही हैं? क्योंकि वहां पर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स उस तरह अवेलेबल नहीं है जितना आपकी डेवलप्ड कंट्रीज की प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, या डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है. और दूसरा अनमेट डिमांड, कि इतनी प्रोडक्शन ना हो कि, और फिर सिर्फ एक कंपनी नहीं और भी बहुत सी कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही हो, तो वहां पर आपकी जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद उनको उनकी जरूरत ही ना पड़े. अब ये किस तरह होता है? जब कंपटीशन ज्यादा होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होती है, तो फिर आप भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाकी कंपनीज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एट द एंड वो डिमांड ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है. तो वो यहां पर यह कह रहा है कि सेटिस्फाइज एन अनमेट नीड्स, के कभी ना खत्म होने वाली जो उनकी नीड्स हैं वो आपने उस मार्केट में जाना होगा. सो दीज आर बेसिकली द पॉइंट्स व्हाट दे आर सेइंग, विच फॉरेन मार्केट्स दैट यू वांट टू एंटर, यू हैव टू सी दैट देयर इज अ लेस पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, फ्री मार्केट सिस्टम्स, लो इन्फ्लेशन रेट एंड लेस प्राइवेट सेक्टर डेट्स. और इसका उलट, जहां पे ये चीजें ज्यादा हैं वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है. और फिर लास्ट सेंटेंस में कहा है कि आपके लिए अट्रैक्टिव मार्केट्स वो हैं जहां पर जो प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो आपकी प्रोडक्ट जाएगी तो सेल होना शुरू हो जाएगी. और अनमेट नीड्स, कि आप प्रोडक्शन करते रहें और कभी भी उसकी जो डिमांड है वो खत्म ना हो, लोग परचेज करते जा रहे हो. तो ये इन चीजों को खास ख्याल में रखना पड़ता है व्हेन यू वांट टू एंटर इन अ मार्केट. देन टाइमिंग ऑफ एंट्री, वंस अट्रैक्टिव मार्केट्स आर आइडेंटिफाइड द फर्म्स मस्ट कंसीडर द टाइम ऑफ एंट्री, कि आप किस टाइम आपने एंटर होना है. एंट्री इज अर्ली व्हेन द फर्म्स एंटर अ फॉरेन मार्केट बिफोर अदर फर्म्स. आप पहले एंटर हो जाएंगे तो आप बेनिफिट ले लेंगे, बाद में एंटर होंगे तो फिर वो जो पहले एंटर हुआ है बेनिफिट वो लेगा, फर्स्ट मूवर्स का जिसको कहा जाता है. सो एंट्री इज लेट व्हेन द फर्म्स एंटर द मार्केट आफ्टर फर्म्स हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स इन द मार्केट. ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुकी आप वहां पर, फिर आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, और पत्नी कितने एक्सपेंसेस आपको बेयर करने पड़ेंगे. सो यू शुड बी पायनियर इन द एंट्री. लेकिन ये एक हद तक तो ठीक है, हो सकता है दूसरी हद तक ही आपके लिए नुकसानदेह भी हो जब फर्स्ट टाइम आप एंटर हो रहे हैं. फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस आर एडवांटेजेस एसोसिएटेड विद द एंटरिंग अ मार्केट अर्ली. वो क्या हो सकते हैं? फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस आर द एबिलिटी टू प्री एम्प्ट राइवल्स. पहले ही आप बैठ गए, अपने जो आपके मुखालफीन है उससे पहले आप वहां पे बैठ गए, आपने अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी है, लोग आपकी प्रोडक्ट्स के हैबिचुअल हो चुके हैं, आपकी प्रोडक्ट्स
को वो अब आपके नाम से बुलाया जाता है, लोगों को आपकी प्रोडक्ट का पता चल गया है, तो आपने अपने कंपेटिटर से पहले अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, पहले उस मार्केट में एंटर हो गए और उसका आपने बेनिफिट ले लिया एंड कैप्चर डिमांड बाय एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रांग ब्रांड नेम. आते गए और चाहते गए. देन ये इसकी हमारे पास एग्जांपल मौजूद है, जैसे पाकिस्तान में नेस्ले वाटर. अब जाहिर है उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च की नेस्ले वाटर की, पता है कि पाकिस्तान के अंदर पानी की बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो अब उन्होंने इतना स्ट्रांग नेम बनाया. अब आप देखें कि बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो उनकी प्राइसेस भी लो है लेकिन उनकी सेल भी कम है एज कंपेयर टू नेस्ले जिसकी प्राइस भी हाई है, क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रांग ब्रांड नेम दिया, फर्स्ट एंट्री की और उसका बेनिफिट ले लिया. अब लोग आंखें बंद करके कहते हैं कि जी नेस्ले का पानी चाहिए पीने के लिए. नोबडी सेज अबाउट कि जी कोक का कौन सा है, पेप्सी का कौन सा है या अदर ब्रांड्स कौन से हैं, उनको जानता भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं किसका, नेस्ले वाटर. तो वो यही चीज है कि द एबिलिटी टू प्री एम्प्ट राइवल्स एंड कैप्चर डिमांड बाई एस्टैब्लिशिंग अ स्ट्रांग ब्रांड नेम. तो उन्होंने नेस्ले वाटर के नाम से लॉन्च किया और आज वो रूल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर. सो द एबिलिटी टू बिल्ड अप सेल्स वॉल्यूम in that country and ride down the experience curve ahead of rivals and again a cost advantage over later entrants. Zahir aap enter hue aapko kam advertisement karni padi aur uska benefit liya, jo baad mein aayenge unko advertisement bhi zyada karni pad rahi hai, unko compete bhi zyada karna pad raha hai logon ko, unke minds mein apni product ab cost kam karke apni product ki acceptance dilwa rahe. ab unka wo profit margin bhi kam ho gaya, advertisement bhi zyada karni padi और उनकी सेल भी कम. सो द एबिलिटी टू क्रिएट स्विचिंग कॉस्ट दैट टाई कस्टमर्स इनटू प्रोडक्ट और सर्विसेज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर लेटर एंट्रेंट्स टू विन बिजनेस. वो यही बात बताने की कोशिश कर रहा है आपको कि जो लेटर एंट्रेंट्स होंगे मार्केट्स में उनके लिए डिफिकल्टी है, उनके लिए कॉस्ट ज्यादा बेयर करनी पड़ेगी, लेकिन जो फर्स्ट मूवर्स हैं उनके लिए ज्यादा आसान काम है, उनके लिए ज्यादा इजी है कि एस्टैब्लिश करें ब्रांड नेम बनाए और मार्केट में प्रोडक्ट सेल करनी शुरू कर दें. इसके डेफिनेटली फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं. वो क्या हो सकते हैं कि फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेजेस आर डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड विद एंटरिंग अ फॉरेन मार्केट बिफोर अदर इंटरनेशनल बिजनेसेस. कोई उससे पहले नहीं गया, आप फर्स्ट टाइम एंटर हो रहे हैं और उसका आप बेनिफिट ले रहे हैं. अब यहां पर अब आपको नुकसान भी हो सकते हैं. वो क्या है, फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेजेस इंक्लूड्स पाइनियरिंग कॉस्ट्स. जो आपकी बेसिक कॉस्ट होती है, जो स्टार्ट में कॉस्ट होती है, वो आपको बेयर करनी पड़ती है. अराइज व्हेन द फॉरेन बिजनेस सिस्टम इज सो डिफिकल्ट फ्रॉम दैट इन अ फर्म्स होम मार्केट. अब फॉरेन मार्केट में बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू योर होम मार्केट. कैसे, दैट द फर्म्स मस्ट डिवोट कंसिडरेबल टाइम. लोगों का जहन बनाना पड़ता है, आपको एफर्ट्स करनी पड़ेगी और आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी कि लोगों के अंदर उस प्रोडक्ट के एक इमेज डाल दी जाए कि नहीं दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट. वो यही कह रहे हैं कि कंसिडरेबल टाइम एफर्ट्स एंड एक्सपेंस टू लर्निंग द रूल्स ऑफ गेम्स, कि वहां पर आपको उस मार्केट के जो बिजनेस करने के तरीके हैं वो आपको देखने पड़ेंगे. अब पाकिस्तान के अंदर डिफिकल्टी क्या है, आपके पास बेतहाशा डिफिकल्टीज आपको बेयर करनी पड़ती है. फॉरेन मार्केट्स हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पे तो हर प्रेस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर प्रेस्क्राइब जरूर है लेकिन वो इनफॉर्मल है. डू यू थिंक दैट दीज रूल्स आर अप्लाइड, तो आपको उनके मुताबिक चलना पड़ेगा. आपको यहां पर बहुत ज्यादा एफर्ट्स, बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा एक्सपेंस बेयर करने पड़ेगा लोगों के जहन में ये डालने के लिए कि वी आर लॉन्चिंग दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज वेरी सूटेबल फॉर यू. आपको खर्चा करना पड़ेगा हमारी प्रोडक्ट्स को लेने के लिए ताकि आपकी सेहत ठीक रहे. अब पानी की एग्जाम्पल दे रहा हूं, रूल तो कर लिया उन्होंने नेस्ले ने, लेकिन अब मुझे बताएं कि यहां पर लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है. लोग पानी के ऊपर खर्च करें, डू यू थिंक अब कि लोग पीने के पानी के लिए खर्च करें और बड़ी अमाउंट खर्च करें, जहां पर जॉइंट फैमिली सिस्टम और बहुत ज्यादा लोग वहां पे,
तो ये बहुत बड़ी अमाउंट अब यहाँ पे लोगों के जहनों में ये डालना कि आपकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कन्विंस करना कि आप ये खर्च करेंगे तो आप अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं. सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स दैट मस्ट बी कंसिडर्ड. अब ये उसका डिसएडवांटेज है, आपको बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आपको एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी. देन पायनियरिंग कॉस्ट ऑल्सो इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ बिजनेस फेलियर इफ द फर्म फेल भी तो हो सकता है, लोग एक्सेप्ट ना करें. हमारे पास तो एक्सेप्ट हो गया लेकिन हो सकता है लोग एक्सेप्ट ना करें. सो द कॉस्ट ऑफ बिजनेस फेलियर इफ द फर्म ड्यू टू इट्स इग्नोरेंस ऑफ द फॉरेन एनवायरमेंट, हमारा कल्चर क्या है उसको अंडरस्टैंड ही ना कर सके, हमारा एनवायरमेंट क्या है उसको अंडरस्टैंड ही ना कर सके. मेक सम मेजर मिस्टेक्स, को आपने ब्लंडर्स कर दिए क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है, कोई कंपेटिटर ही नहीं है, वो ऑलरेडी उस तरह का बिजनेस ही नहीं चल रहा है यहां पे. आप यहां पे को हराम चीजें लाना शुरू कर दें पाकिस्तान के अंदर, यहां पे तो ऑलरेडी कोई इस तरह का बिजनेस ही नहीं है, तो फौरन ही वो ब्लास्ट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो बिजनेस ही नहीं चलेगा उनका. सो पायनियरिंग आपके लिए डिसएडवांटेजेस भी हो सकता है. देन कॉस्ट ऑफ प्रमोटिंग एंड एस्टैब्लिशिंग अ प्रोडक्ट ऑफरिंग इंक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग कस्टमर्स, यही जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लोगों को समझाना, उनको बताना, उसकी प्रमोशन करना, इसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए. आप देखें कि नेस्ले डेफिनेटली यहां पे अर्न कर रहा है, लेकिन उसके बाद जितनी कंपनी शायद उनको इतना ज्यादा प्रमोशन ना करनी पड़ी हो जितनी स्टार्ट में नेस्ले को करनी पड़ी है. अब क्योंकि पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिक सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की है कि हमारी सड़कें भी इतनी अच्छी नहीं होती, तो वो एक अलग से ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है. फिर यहां पे जो डीलर्स हैं वो एजुकेटेड नहीं है, उनको एजुकेट करना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं व्हेन यू वांट टू एंटर इन द मार्केट एंड द टाइमिंग ऑफ एंट्री, लेट होना है या आपने अर्ली एंटर होना है मार्केट में. ओके, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू के फिल इन द ब्लैंक्स refers to the time and effort spent learning the rule of a new market. ये बताएं मुझे, हमने इसको discuss किया है. refers to the time and efforts spent learning the rules of a new market. वो कौन सा होगा? First mover advantage है, then strategic commitments है, pioneer cost है, market entry cost है. तो इसमें से कौन सा आपके लिए हो सकता है? के फर्स्ट मूवर एडवांटेज, रेफर टू द टाइम एंड एफर्ट स्पेंट लर्निंग द रूल्स ऑफ अ न्यू गेम, स्ट्रेटजिक कमिटमेंट्स रेफर्स टू द टाइम एंड एफर्ट स्पेंट लर्निंग द रूल ऑफ अ न्यू मार्केट, पायनियरिंग कॉस्ट रेफर्स टू द टाइम एंड स्पेंट लर्निंग द रूल ऑफ अ न्यू मार्केट, एंड फाइनली मार्केट एंट्री कॉस्ट रेफर्स टू द टाइम एंड एफर्ट स्पेंट लर्निंग द रूल ऑफ अ न्यू मार्केट. इसमें से आप क्या समझते हैं? इफ आई कुड गो बैक एंड सी कि इसमें से आप कौन कौन सी चीजें कर रहे हैं, आपके पास टाइम एफर्ट एक्सपेंसिंग लर्निंग द एक्सपेंस टू लर्निंग द रूल ऑफ गेम. सो व्हाट वी हैव डन बेसिकली, पायनियरिंग कॉस्ट रेफर्स टू द टाइम एंड एफर्ट स्पेंट लर्निंग द रूल ऑफ अ न्यू मार्केट. ये आपको कॉस्ट जो फर्स्ट एंट्री जो कॉस्ट होती है, जो पायनियरिंग कॉस्ट होती है, वो आपको बेयर करनी पड़ती है आपको रूल ऑफ अ न्यू मार्केट को देखने के लिए. आपको एफर्ट्स लगानी पड़ती है वहां पे आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, आपको एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ते हैं ताकि आपको वहां की उस एनवायरमेंट की उस ज्योग्राफिक के आपको पता चले कि क्या रूल ऑफ गेम है. सो दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी डन. ओके, द थर्ड वन इज द स्केल ऑफ एंट्री एंड स्ट्रेटजिक कमिटमेंट्स. आफ्टर बेसिकली चूजिंग विच मार्केट टू एंटर एंड द टाइम ऑफ एंट्री, द फर्म्स नीड्स टू डिसाइड ऑन द स्केल ऑफ अ मार्केट एंट्री. आप किस लेवल पर एंटर होना चाह रहे हैं वहां पे? आप बेसिकली देखना ये चाह रहे हैं कि जो स्केल आपका, जो जिस लेवल पे आप बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हैं वो कितना होगा, आपकी पहली चीज डिसाइड होगी पाकिस्तान. ओके फाइन, दूसरा आपके पास डिसाइड हो गया कि आपने कब एंटर होना है,
और तीसरा आपने देखना ये होगा कि आप बड़े लेवल पर स्टार्ट करें या छोटे लेवल पर स्टार्ट करें वहां पे अपना बिजनेस. सो एंटरिंग अ फॉरेन मार्केट्स ऑन अ सिग्निफिकेंट स्केल इज अ मेजर स्ट्रेटजिक कमिटमेंट, बिकॉज स्ट्रेटजिक कमिटमेंट इज दैट यू आर मेकिंग अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट. आप बड़े लंबे अरसे के लिए उसको करने के लिए जा रहे हैं. तो यही आपको कहते हैं कि स्ट्रेटजिक कमिटमेंट मीन्स कि आप कमिट कर रहे लंबे अरसे के लिए, शॉर्टर पीरियड नहीं है, लॉन्गर पीरियड है वो आपका. सो एंटरिंग अ फॉरेन मार्केट ऑन अ सिग्निफिकेंट स्केल इज अ मेजर स्ट्रेटजिक कमिटमेंट दैट चेंजेस द कंपेटिटिव प्ले फील्ड. आपके जो कंपेटिटिव प्ले फील्ड है जहां पर आप जिस मार्केट में एंटर होने के लिए जा रहे हैं, वो आपका टोटल ही सिनेरियो को चेंज कर सकता है, क्योंकि आप बड़े अरसे बड़े एक पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं. So firms that enter a market on a significant scale make a strategic commitment to the market, and the decision has a long term impact and is difficult to reverse. ये बात यहाँ पर clear है कि अगर आप foreign direct investment करने के लिए जा रहे हैं, आपने वहां पर factory लगानी होगी, plant लगाना होगा, production करनी होगी, employees को वहां पर आपने hire करना होगा, तो फिर उसकी जो reversal है it will take a more time period as compared to your time period that you have made for your investment. क्योंकि आपको हर चीज वाइंड अप करनी है वहां से, हर चीज खत्म करनी है. कंपनी स्टैब्लिश हो गई है तो कंपनी के प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने होंगे. आपको आपने फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उस कंपनी को रजिस्टर करवाया है, तो आपको वो सारे के सारे जो रूल्स हैं SECP के वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. सो व्हाट दे आर सेइंग कि जब आपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने हैं, स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट करनी है आपने मार्केट में एंटर होने के लिए, तो फिर आपने देखना यह है कि मैं लंबे अरसे के लिए कंपनी वहां पर स्टैब्लिश कर रहा हूं, तो फिर वहां पर जो रिवर्सल है वो भी फिर आपका आसान नहीं होगा. दैट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रिवर्स. सो स्मॉल स्केल एंट्री हैज एडवांटेज ऑफ अलाउइंग अ फर्म टू लर्न अबाउट अ फॉरेन मार्केट while simultaneously limiting the firm's exposure to that market. अब जो आप small scale पर करते हैं तो उनको थोड़ा सा वहां पर नजर भी आ जाता है कि क्या यहां पर हमें लंबे अरसे के लिए करना चाहिए काम या नहीं करना चाहिए. Small scale है तो that is easy to decide कि आप कितना करें, और आपको समझ आ जाए कि नहीं this is a good opportunity and this market is good for us, हम इसको लंबे से के लिए करते हैं और उसके बाद हम यहां से विड्रॉ कर लेंगे अगर उनको बेहतर नजर आता है कि नहीं यहां पे हमारे लिए सुटेबिलिटी नहीं है. तो स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल का यही फर्क है कि आपने स्मॉल स्केल पे हैं तो रिवर्सल आसान है, लार्ज स्केल पे हैं तो रिवर्सल ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट इज वेरी डिफिकल्ट. सो दीज आर बेसिकली द पॉइंट्स. इन समरी वी हैव टॉक्ड अबाउट द मार्केट, time of entry and a scale of entry. आप short term की entry है या long term की entry है, ये सारी सारी चीजें तो आपने decide कर ली हैं, बड़ी आपने analysis किए हैं एक country का दूसरे के साथ, एक market का दूसरे के साथ, you made all analysis in detail analysis, but what they say there are no right decisions. Never think about that you made an analysis of your which market to enter, what time to enter and the level of to enter, but still they say that there is no right decision at all when deciding which market to enter and the timing and the scale of entry, just decisions that are associated with different levels of risk and rewards. आपका ये आपने कहा कि जी मार्केट भी मैंने बेस्ट चूज कर ली, टाइम भी बेस्ट है एंट्री का, और स्केल भी बड़ा मेरा जबरदस्त है, वो कोई राइट डिसीजन नहीं है. ये आपका एसोसिएटेड है वहां पर रिस्क और रिवार्ड पे, क्योंकि हर कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो चेंज होती रहती है, वो फ्लक्चुएट करती है, कभी बेहतर हो जाता है कभी खराब हो जाता है. पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है, आई डोंट नो क्या मतलब, इसके साथ आप एग्जैक्ट कोई डिसीजन नहीं ले सकते. आपने उस सिचुएशन को देखना है, उसकी बेस पर आप कहेंगे कि दीज आर द रिस्क एसोसिएटेड विद दैट कंट्री एंड व्हाट बेनिफिट्स वी कैन गेट इट आफ्टर फेसिंग दीज काइंड ऑफ रिस्क.
So that is all about the total summary what we have discussed up to now. Then we have seen the entry modes. Let me give you a just overview because we discussed all these in details. थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं बस बताता चलूंगा. Basically there are six different ways to enter in the foreign markets. एक आपके पास exporting है, import export आप कह सकते हैं, लेकिन enter हो रहे हैं तो आप basically export करते हैं products को. Export है. Turnkey project, this is a new terminology, we did not yet discussed about it. हमने इसको अभी तक discuss नहीं किया था. आपके पास these are basically the turnkey projects. Licensing, franchising, establishing a joint venture with the host country firms, setting up a new wholly owned subsidiary in the host country. या आप establish करते हैं या आप acquire करते हैं. So these are basically the modes to enter in the other country, अपने business को expand करने के लिए. So managers needs to consider the advantages and disadvantages of each entry mode. हर एक advantages disadvantages है वो नजर आते हैं, उसके बाद decide किया जाता है. एक्सपोर्टिंग में आपके पास क्या, एक्सपोर्टिंग इज बेसिकली अ कॉमन फर्स्ट स्टेप इन द इंटरनेशनल एक्सपेंशन प्रोसेस फॉर मैनी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स. आपको ये बता देता है कि वहां पर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट करें या ना करें. एक्सपोर्ट आपकी बताएगी कि आपकी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस है या नहीं है. सो लेटर मैनी फर्म स्विच टू अनदर मोड टू सर्व द फॉरन मार्केट्स. जो मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोर्ट के बाद फिर कहते हैं कि डिमांड है तो हम मूव कर जाते हैं फिर आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स की तरफ. किस तरह अट्रैक्टिव है एक्सपोर्टिंग, वो कहते हैं कि एक्सपोर्टिंग इज अट्रैक्टिव बिकॉज इट अवॉइड्स द कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस. आपको वहां पर फैक्ट्री नहीं लगानी पड़ती. इट हेल्प्स द फर्म अचीव एक्सपीरियंस कर्व एंड लोकेशन इकोनॉमीज. आपको एक्सपोर्ट के थ्रू पता चल जाएगा कि कहां पर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है, आप को बेस्ट सूट कौन सा एरिया करता है जहां पे आपकी प्रोडक्ट परचेज हो रही है, तो वहां पे आप अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं. इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, किस वजह से अनअट्रैक्टिव है एक्सपोर्टिंग. देयर मे बी लोअर कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस जहां पर आप प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर हो सकता है उस तरह की प्रोडक्ट बन रही हो और लोअर कॉस्ट हो, तो यू डोंट हैव बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्टिंग. Then high transportation cost and tariff can make it uneconomical, as I already told you. के आपका जो कस्टम पे करना पड़ता है, जो शिपिंग कंपनीज को पे करना पड़ता है, वो एक अलग से कहानी है. वो बहुत बड़ी अमाउंट होती है कि जिसकी वजह से आपकी जो एक्सपोर्टिंग है वो अनअट्रैक्टिव हो जाती है. आप खुद देखें कि पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ आती हैं जापान से, वो सारी की सारी आपकी काफ़ी एक्सपेंसिव है. उसकी रीजन क्या है कि आपके पास कस्टम प्लस आपने उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देनी पड़ती है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो हालांकि सेकेंड हैंड गाड़ी है, ब्रांड न्यू भी नहीं है, और वो आपको अच्छी खासी कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है. एजेंट्स इन द फॉरेन कंट्री मे नॉट एक्ट इन द एक्सपोर्टर्स बेस्ट इंटरेस्ट. ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि आप अगर किसी कंट्री के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपका वहां पे एजेंट है कोई, तो हो सकता है वो अपने बेनिफिट के लिए काम करे, आपके बेनिफिट के लिए ना करे, तो यहां पर भी आपकी एक्सपोर्टिंग अनअट्रैक्टिव हो जाती है. टर्न की प्रोजेक्ट्स, ये हमारे लिए थोड़ा सा एक नया एक टर्मिनोलॉजी है. वो क्या है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. इन अ टर्न की प्रोजेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू हैंडल एवरी डिटेल ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर अ फॉरेन क्लाइंट इंक्लूडिंग द ट्रेनिंग ऑफ ऑपरेटिंग पर्सनल. ये बेसिकली ये है कि कोई फॉरेन कंट्री पाकिस्तान के अंदर काम करना चाह रही है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो उसको बिल्डिंग भी बना के देगा, जो फैक्ट्री इंस्टॉल करके देगा, जो वहां के लोग हैं जिनको एज ए लेबर यूज किया जाएगा उनको भी ट्रेन करके देगा. अब एक्सपोर्टर जो फॉरेन कंट्री की कंपनी है वो कुछ भी नहीं कर रही, सिंपल एक एग्रीमेंट किया है और उसको वहां पर बनी बनाई एक जो फैक्ट्री है वो मिल जाएगी, और ये सिर्फ एग्रीमेंट के थ्रू होगा, आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट बनेगा, और उसके बाद वो जो फॉरेन कंट्री है वो उसको उसके कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट करेगा, फैक्ट्री इंस्टॉल करने की, लेबर को वहां पे ट्रेन करने की पेमेंट करेगा, और उसको हर चीज खुद मिल जाएगी, उसको इंगेज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो एट कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द फॉरेन क्लाइंट इज हैंडेड द की टू अ प्लांट दैट इज रेडी फॉर फुल ऑपरेशंस. कंप्लीट हो गया तो अब फॉरेन कंपनी को दे देगा कि जी ये इसकी कीज है, आप इस पर अपना काम शुरू कर दें, बिकॉज दिस इज टोटली कंप्लीट और ये कंपनी काम कर रही है.
जो फॉरेन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती हैं, उनको बना कर देती हैं हर चीज। ये इस तरह की कंपनी इस्टेब्लिश्ड है और ये वाकई ही इस तरह की फैक्ट्री भी इंस्टॉल करके, बिकॉज दे हैव एन एक्सपर्टीज। क्योंकि फॉरेन कंपनी कोई भी पाकिस्तान के अंदर काम करेगी तो उसको रॉ मटेरियल का प्रॉब्लम, उसको लेबर का प्रॉब्लम, ये सारे का सारा चलता रहेगा। सो दिस इज मस्ट बेटर टू हायर अ कंपनी जो इस तरह की जो प्रोडक्ट इस तरह की इंस्टॉलेशन में एक्सपर्टीज रखती है, उनको से कॉन्ट्रैक्ट करके उनको उनकी पेमेंट की जाएगी और आपको एक कंप्लीट प्रोडक्शन प्लांट मिल जाएगा। सो 10 की प्रोजेक्ट्स आर कॉमन इन द केमिकल, फार्मास्यूटिकल, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड मेटल रिफाइनिंग इंडस्ट्री। ये यहां पर ज्यादा फेमस है 10 की प्रोजेक्ट्स। इसकी क्या एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं? दे आर अ वे ऑफ अर्निंग इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम द नो हाउ रिक्वायर्ड टू असेंबल एंड रन ए टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। पूरे फैक्ट्री को लगाने के लिए आपको एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है। आपको मैंने जिस तरह बताया, बिल्डिंग बनानी है, फिर उसमें फैक्ट्री इंस्टॉल करनी है, तो आपको एक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हर चीज खुद करके दे देता है। देन दे कैन बी लेस रिस्की देन कन्वेंशनल FDIs। जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है कन्वेंशनल की, कंपनी ने खुद आके हर चीज इंस्टॉल करनी है, बनानी है, उससे ये बहुत बेहतर है क्योंकि आपको फैक्ट्री ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिल गई है। अनअट्रैक्टिव क्यों है? द फर्म्स दैट एंटर इनटू अ टर्नकी डील विल हैव नो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इन द फॉरेन कंट्री। अब जाहिर है जो फर्म एंटर होने के लिए जा रही है इस एग्रीमेंट में, हो सकता है उनके लॉन्ग टर्म कोई इंटरेस्ट ना हो उस कंट्री के अंदर। अब पाकिस्तान में कंपनी 10 की प्रोजेक्ट्स करके देती है तो उसको स्विट्जरलैंड की कंपनी से क्या इंटरेस्ट होगा अदर देन सिंपल ये कॉन्ट्रैक्ट? तो हो सकता है वो उसके इंटरेस्ट में काम ना करे, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देन द फर्म्स दैट एंटर इनटू अ टर्न की प्रोजेक्ट में क्रिएट अ कंपेटिटर। जाहिर है वो आपको अगर फैक्ट्री लगा के दे रहा है तो क्या किसी और को फैक्ट्री नहीं लगा के देगा? तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो कंपेटिटर बना के दे देता है। देन इफ द फर्म्स प्रोसेस टेक्नोलॉजी इज अ सोर्स ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज देन सेलिंग दिस टेक्नोलॉजी थ्रू अ टर्न की प्रोजेक्ट इज ऑल्सो अ सेलिंग कंपेटिटिव एडवांटेज टू पोटेंशियल आर एक्चुअल कंपेटिटर्स। आपने सारी सारी टेक्नोलॉजी उनको दे दी है 10 की कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो इसका मतलब यह है कि आपने जो टेक्नोलॉजी बनाई थी वो डिस्क्लोज कर दी है 10 की कॉन्ट्रैक्टर पर, तो इसका मतलब यह है कि आपने कंपेटिटिव एडवांटेज यूज कर दिया। बेसिकली यहां पर मकसद ये बताने का कि 10 की जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं प्रोजेक्ट्स के, वो आपको फैसिलिटेट तो कर रहे हैं लेकिन आपके लिए वो इश्यूज भी क्रिएट कर सकते हैं कि आपका जो कंपेटिटिव एडवांटेज है, आपकी एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है जो आपने बनाई है, वो आप अगर उसको दे देंगे उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आपने वो जो टेक्नोलॉजी है उसका बेनिफिट लूज कर दिया। लाइसेंसिंग, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय अ लाइसेंसर ग्रांट्स द राइट टू इनटेंजिबल प्रॉपर्टी टू अनदर एंटिटी द लाइसेंसी फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एंड इन रिटर्न द लाइसेंसर रिसीव्स अ रॉयल्टी फी फ्रॉम द लाइसेंसी। मतलब उसके अगेंस्ट वो फी उनसे चार्ज करता है। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स पेटेंट्स हैं, इन्वेंशंस हैं, फार्मूलाज हैं, प्रोसेस हैं, डिजाइंस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। सो दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ योर इनटेंजिबल एसेट्स दैट यू गिव टू अनदर कंट्री। आप इससे प्रोडक्शन करें, हम आपको पेटेंट दे रहे हैं, कॉपीराइट दे रहे हैं, हर चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप प्रोडक्शन करें, ये भी एक मेथड होता है। और उसके अगेंस्ट वो एक रॉयल्टी फी एनुअल बेसिस पे या सेमी एनुअल बेसिस पे, व्हाट आर बेसिकली द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ पार्टीज, तो उसके अगेंस्ट वो फीस चार्ज करते रहते हैं। लाइसेंसिंग इज अट्रैक्टिव, क्यों अट्रैक्टिव है ये? द फर्म डज नॉट हैव टू बेयर द डेवलपमेंट कॉस्ट एंड रिस्क एसोसिएट विद ओपनिंग अ फॉरेन मार्केट। पाकिस्तान के अंदर कोई लाइसेंस ले रहा है तो अब पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि वो सारे का सारा काम खुद करे। सिंपल फॉरेन कंपनी उसको अपना ट्रेड मार्क देगी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी, कॉपीराइट देगी, अब उसके नाम के साथ जो भी काम करना वो पाकिस्तानी ने करना है। द फर्म्स अवॉइड्स बैरियर्स टू इन्वेस्ट। अब यहां पर इस तरह के कोई बैरियर्स नहीं होते क्योंकि सिंपल आपने टेक्नोलॉजी दी उसको, फॉरेन कंपनी ने पाकिस्तानी कंपनी को टेक्नोलॉजी दी, उसको नेम दिया, आप प्रोडक्शन भी हो रही है यहीं पे और सेल भी यहीं पे ही हो रहा है, तो
तो यहां पर कोई किसी किस्म की कोई बैरियर्स नहीं होते इन्वेस्टमेंट के. देन फर्म्स विद इंटेंजिबल प्रॉपर्टी दैट माइट हैव बिजनेस एप्लीकेशंस कैन कैपिटलाइज ऑन मार्केट अपॉर्चुनिटीज विदाउट डेवलपिंग दोज एप्लीकेशंस इटसेल्फ. यानी ये बेसिकली एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं. अब ये कंपनी ने इटसेल्फ दे दिए हैं तो यहां पर उनको खुद इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. हर चीज बेसिकली प्रोवाइड की जा रही है. अनअट्रैक्टिव किस तरह हो सकती हैं? दीज आर बेसिकली द पॉइंट्स के फर्म्स डजंट हैव द टाइट कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी रिक्वायर्ड फॉर रियलाइजिंग एक्सपीरियंस कर्व एंड लोकेशन इकोनॉमीज. अब क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी दे दी है फॉरेन कंपनी ने, अब उसका उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा. जिस तरीके से वो मैन्युफैक्चर करे, जिस तरीके से वो मार्केट करे, जिस तरह की वो स्ट्रेटजी लगाए, दिस इज ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइसेंसी. अब लाइसेंसर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकता, ये इसका डिसएडवांटेज है. देन इट लिमिट्स अ फर्म्स एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट स्ट्रेटेजिक मूव अक्रॉस कंट्रीज बाय यूजिंग प्रॉफिट अर्न्ड इन वन कंट्री टू सपोर्ट कंपेटिटिव अटैक्स इन अदर कंट्री. दूसरे कंट्री है उसके अंदर भी जाहिर है प्रॉब्लम हो सकता है. अब क्योंकि आपने हर चीज प्रोवाइड कर दी है लाइसेंसी को, तो जो आपके कंपेटिटिव एडवांटेज है वो उसमें खत्म हो सकते हैं. देन प्रॉपर्टी आर इंटेंजिबल एसेट्स कुड बी लॉस्ट. जाहिर आपने दे दी है तो क्या वो जो आपने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया क्या वो अपने पास महफूज रखेगा? वो हो सकता है किसी कंपेटिटर को सेल आउट भी कर दे, क्योंकि ये तो एक टेक्नोलॉजी है, ये कोई मशीन तो है नहीं कि किसी और को नहीं दी जा सकती. एक टेक्नोलॉजी है सिंपल, उसको यूज किया जा सकता है. उसको सिंपल आप वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, दूसरा प्रोडक्शन शुरू कर देगा उससे. Then one way of reducing this risk is through the use of cross licensing agreement. इसके through आप control कर सकते हैं इसके risk को कि वो किसी competitor के पास technology ना जाए. Where a firm might license intangible property to a foreign partner, but request that foreign partner license some of its valuable know-how to the firm in addition to a royalty payments. यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है कि आप उससे basically एक agreement करेंगे और वो एक रिक्वेस्ट फॉर्म होता है दैट द फॉरेन पार्टनर लाइसेंस सम ऑफ इट्स वैल्यूएबल नो हाउ टू द फॉर्म इन एडिशन टू अ रॉयल्टी फी, कि जो उसको बेहतर लगेगा वो भी आप एज अ रॉयल्टी फी पेमेंट करेंगे. सो दैट इज बेसिकली अ लाइसेंसिंग. देन फ्रेंचाइजिंग इज बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ लाइसेंस इन विच द फ्रेंचाइजर नॉट ओनली सेल्स द इंटेंजिबल प्रॉपर्टी टू द franchisee but also insists that the franchisee agrees to abide by strict rules as to how it does business. kaise karna? ab usme to aapne licensing mein to usko open kar diye the ki aap jis tarah marzi kare, lekin yahan par aapne strict rules and regulations lagane honge. so franchisee is used primarily by service firms. jis tarah pakistan mein franchise kiska hota hai? zong ka hai, टेलीनॉर का है. टेलीनॉर बेसिकली नॉर्वेजियन कंपनी है, जोंग चाइनीज कंपनी हो चुकी है, ठीक है. सो दीज आर ऑल व्हाट दे से कि ये सर्विस से रिलेटेड ज्यादातर होता है, बाद में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का होता है, लेकिन बेसिक जो है इसका फोकस वो फ्रेंचाइज पे होता है. क्यों अट्रैक्टिव है फ्रेंचाइजिंग? बेसिकली फर्म्स अवॉइड मैनी कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ ओपनिंग अप अ फॉरन मार्केट. जिस तरह लाइसेंसिंग की होती है, फर्म्स कैन क्विकली बिल्ड अ ग्लोबल प्रेजेंस. जाहिर है फ्रेंचाइज दी आपने, नाम भी उसी कंपनी का यूज हो रहा है. अब जैसे पाकिस्तान में मैकडोनल्ड्स यूएस बेस्ड कंपनी है और मैकडोनल्ड्स की ऑल ओवर वर्ल्ड फ्रेंचाइजेस ओपन हो चुकी हैं. अब रॉयल्टी फी उसके अगेंस्ट पे की जाती है. फ्रेंचाइजिंग इज अनअट्रैक्टिव क्यों? इट मे इनहिबिट द फर्म्स एबिलिटी टू टेक प्रॉफिट आउट ऑफ वन कंट्री टू सपोर्ट कंपेटिटिव अटैक्स इन द अदर. अब ये उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. Then geographic distance of a firm from its foreign franchisees can make poor quality difficult for the franchisor to detect. अब एक जगह पे कोई चीज प्रोडक्शन हो रही है तो फॉरन कंट्री जहां की ये कंपनी है उसके लिए टाइट कंट्रोल रखना डिफिकल्ट हो जाता है, तो वहां पे उनकी क्वालिटी पर इफेक्ट हो सकता है. वो अल्टीमेटली उस कंपनी के ब्रांड नेम पर इफेक्ट करेगा. Joint ventures, we have already discussed about it. A joint venture is the establishment of a firm that is jointly owned by two or more otherwise independent firms.
जैसे सोनी और एरिक्सन, इसकी मैंने एग्जांपल दी थी आपको कि सोनी अलग से कंपनी है और एरिक्सन अलग से कंपनी है, दोनों ने जॉइंट वेंचर किया और सोनी एरिक्सन मोबाइल बना दिया था। एक की एक चीज में एक्सपर्टीज थी, दूसरी की दूसरी चीज में एक्सपर्टीज थी और एक बेहतर आउटपुट मिली है। मोस्ट जॉइंट वेंचर्स आर 50-50 पार्टनरशिप्स के 50 एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट एक कंपनी की होगी, 50 एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट एक कंपनी की होंगी और उसके बाद आपकी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो भी 50-50 आपस में डील की जाएंगी। सो जॉइंट वेंचर्स आर अट्रैक्टिव बिकॉज दे अलाउ द फर्म्स टू बेनिफिट फ्रॉम अ लोकल पार्टनर्स नॉलेज ऑफ होस्ट कंट्रीज, कंपेटिटिव कंडीशंस, कल्चर, लैंग्वेज, पॉलिटिकल सिस्टम एंड बिजनेस सिस्टम। ये आपको वहां पर अंडरस्टैंड करने में बेहतर मदद मिलती है क्योंकि एक पाकिस्तान की कंपनी और एक यूके की कंपनी दोनों ज्वाइंट वेंचर किया तो आप पाकिस्तान के कल्चर के बारे में ज्यादा पाकिस्तानी कंपनी को पता है तो ये उसके लिए फिर बेनिफिशियल है। द कॉस्ट एंड द रिस्क ऑफ ओपनिंग ऑफ फॉरेन मार्केट्स आर शेयर्ड बाय द पार्टनर्स व्हेन पॉलिटिकल कंसिडरेशंस मेक्स ज्वाइंट वेंचर्स द ओनली फिजिबल एंट्री मोड। अब आपका जो बेसिकली पॉलिटिकल कंसिडरेशन है वो सिर्फ अलाउ ही करती है आपके ज्वाइंट वेंचर्स को तो वहां पे सूटेबल है। सूटेबल कहां पर नहीं है, अनअट्रैक्टिव कहां पर है, द फर्म्स रिस्क गिविंग कंट्रोल ऑफ इट्स टेक्नोलॉजी टू इट्स पार्टनर, जाहिर है एक ही टेक्नोलॉजी दूसरे में शिफ्ट हो रही है ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। द फर्म्स मे नॉट हैव द टाइट कंट्रोल ओवर द सब्सिडीज, नीड टू रियलाइज एक्सपीरियंस कर्व आर लोकेशनल इकोनॉमीज, देन शेयर्ड ऑनरशिप्स कैन लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट एंड बैटल फॉर कंट्रोल इफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफर आर चेंज ओवर टाइम। अब जाहिर है दोनों कंपनीज थी 50-50 पर चल रही थी तो एक अपने बेनिफिट के लिए जा सकती है, दूसरी दूसरे अपने बेनिफिट के लिए जा सकती है तो यहां पर उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है। देन होली ओन्ड सब्सिडीज, इन होली ओन्ड सब्सिडीज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट, द फर्म्स ओन्स 100% स्टॉक ऑफ द अदर फर्म्स। द फर्म्स कैन एस्टैब्लिश अ होली ओन्ड सब्सिडी इन अ फॉरेन मार्केट्स, सेटिंग अप अ न्यू ऑपरेशंस इन द होस्ट कंट्री, अक्वायरिंग अ एस्टैब्लिश्ड फर्म इन द होस्ट कंट्री। तो ये किसी भी तरीके से आप जो है वो कंपनी को अक्वायर कर सकते हैं। सो होली ओन्ड सब्सिडीज आर अट्रैक्टिव बिकॉज दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ लूजिंग कंट्रोल ओवर कोर कॉम्पिटेंस, जाहिर है होली ओन्ड हो गई है तो कोर कॉम्पिटेंस उनकी जो है वो आप ले सकते हैं। दे गिव अ फर्म द टाइट कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस इन द डिफरेंट कंट्रीज दैट इज नेसेसरी फॉर इंगेजिंग इन द ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशंस, देन दे मे बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रियलाइज लोकेशन एंड एक्सपीरियंस कर्व इकोनॉमीज। क्योंकि आपने एक कंपनी ने दूसरी को अक्वायर कर लिया तो जितने भी सारे बेनिफिट्स थे उस कंपनी के वो अल्टीमेटली पेरेंट कंपनी के पास चले जाएंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल सो दैट इज वाई आई एम मूविंग फॉरवर्ड एंड इन स्पीड सो दैट के हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो होली ओन्ड सब्सिडीज आर अनअट्रैक्टिव बिकॉज द फर्म्स बियर द फुल कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ सेटिंग अप ओवरसीज ऑपरेशंस। ये बेसिक एक प्रॉब्लम हो सकता है वहां पे क्योंकि एक कंपनी ने दूसरी को अक्वायर किया तो सारे के सारे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे सारी की सारी कॉस्ट होगी वो पेरेंट कंपनी को बेयर करनी पड़ेगी। सो द क्वेश्चन, हाउ डू मोस्ट फर्म्स बिगिन देयर इंटरनेशनल एक्सपेंशन, किस तरीके से करते हैं, विद अ ज्वाइंट वेंचर, विद अ होली ओन्ड सब्सिडरी, विद लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग, विद एक्सपोर्टिंग। सो क्लियर कट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट के सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो आपका विद एक्सपोर्टिंग होता है। व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ होली ओन्ड सब्सिडरीज, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट कि दे मेक इट डिफिकल्ट टू रियलाइज लोकेशन एंड एक्सपीरियंस कर्व इकोनॉमीज, द फर्म्स बियर द फुल कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ सेटिंग अप ओवरसीज ऑपरेशंस, दे मे इनहिबिट द फर्म्स एबिलिटी टू टेक प्रॉफिट आउट ऑफ वन कंट्रीज टू सपोर्ट कंपेटिटिव अटैक्स इन अनदर, High transportation cost and tariff can make it uneconomical. So the point B is relevant. The firms bear the full cost and risk of setting up overseas operation. So that is an answer of our question. What is the main disadvantage of wholly owned subsidiary? So last time we discussed in our slides.
So that is all about our lecture number 20, in which in detail we discussed about the markets, decisions about the markets, time of entry and the scale of entry ki kis level par aapne enter hona hai. Iski detail humne dekhi hai. Then we discussed what are the factors that affect on your decisions regarding these three points. कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं वो इफेक्ट करते हैं एंड देन फाइनली वी डिस्कस्ड अबाउट द मोड्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस कि किस तरीके से आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं आप लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग एक्सपोर्टिंग आप इसके अलावा होली ओन सब्सिडरी पार्शली के थ्रू भी कर सकते हैं या टर्न की प्रोजेक्ट्स सो दीज आर द बेसिक थिंग्स और में हमने चेक किया था कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस किस वजह से आपका एक मोड अट्रैक्टिव होता है और किस वजह से आपका एक मोड अनअट्रैक्टिव हो सकता है सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर अवर लेक्चर नंबर 20 इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक इन अवर लेक्चर नंबर 21 सो आई होप कि यू माइट हैव एन अंडरस्टैंडिंग कुछ एंड पे जो मैंने टॉपिक था वो थोड़ा सा स्पीड में इसलिए किया था कि हम उसको पहले काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं सो देयर वाज नो नीड टू डिस्कस दैट इन डिटेल एज आई हैव ऑलरेडी डन इट So, inshallah, we will meet with the continuation of this topic. So, up to that, thank you very much. Take care and Allah Hafiz.